हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे। कई गैंगस्टर से भी संपर्क की जानकारी मिली है। ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को ये कामयाबी, जबकि दो आतंकियों से जब पूछताछ की गई तो फिर ये पता चला कि वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे। दीपक बिष्ट इस वक्त जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिली है आतंकियों के पास से? देखिए, बड़ी खबर है, क्योंकि जो आतंकी नौशाद है उसने कई खुलासे किए हैं, क्योंकि आतंकी नौशाद का जो अधिकतर समय रहा है वो जेल के अंदर रहा है और उस दौरान उसने कई आतंकी संगठनों के साथ उनके आतंकियों से संपर्क रहा था, जिसके ऊपर ये खुलासा हुआ कि आतंकी हरकत उल अंसार के नजीर भट्ट, नासिर खान और नजीर खान के संपर्क में काफी पहले से था। ये वो आतंकी है जो पाकिस्तानी ISI के साथ संपर्क में थे और उसके बाद इसने किस तरह की यहाँ पर प्लानिंग करी थी, इस बारे में अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, तो यह अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी 26 जनवरी के पहले, किस तरह से नौशाद और जगजीत की गिरफ्तारी और फिर उसके चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने। बात ये बड़ी जानकारी, बंगलुरु में एक सड़क पर अचानक गड्ढा बनने की वजह से उसमें एक ट्रक फंस गई, जिसके बाद उस सड़क की क्वालिटी पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि जिस जगह गड्ढा बना वो सड़क महज दो दिन पहले ही बनी थी। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर की एक सड़क पर कई गाड़ियां गुजरती दिखी, लेकिन जैसे ही एक ट्रक वहां पहुंचा, सड़क अचानक धस गई, जिसकी वजह से वो ट्रक उसमें फंस गया। हालांकि बाद में उसे किसी तरह से निकाल लिया गया। 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर में लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट भी बहुत खतरनाक हैं, जिस वजह से युद्ध में अपाचे का कोई मुकाबला नहीं। दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर सटीक हमला करने में अपाचे सबसे आगे माना जाता है। और उस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के बाद ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है। बताया गया कि ब्रिटेन के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यूक्रेन को हथियार देने के बाद ब्रिटेन की सेना कमजोर हुई, यानी यूक्रेन की मदद करना ब्रिटेन को ही भारी पड़ सकता है। असल में जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन अलग अलग तरह के आधुनिक हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को भेजता रहा है। खबर है कि इसी कड़ी में ब्रिटेन अब यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने वाला है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद से यूक्रेन के जवान इस टैंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दावा है कि लगातार टैंकों और दूसरी मदद करने की वजह से ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है, यानी ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद करते हुए अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है। ब्रिटेन ने चैलेंजर 2 टैंकों को भेजने से पहले उसकी ताकत दिखाने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चैलेंजर 2 टैंक दुश्मन पर कहर बरपाता दिखाई दिया। एक मैदान में टैंकों के साथ कुछ जवान जंग के हालात बनाकर दुश्मन को ढेर करते नजर आए। चैलेंजर 2 टैंकों ने जमकर अपनी ताकत दिखाई। उबड़ खाबड़ मैदान में भी टैंक फुर्ती के साथ दुश्मन पर गोलों की बारिश करते दिखे। बताया जा रहा है कि यही टैंक अब ब्रिटेन यूक्रेन को भेजेगा और अगर ये एक बार यूक्रेन पहुंच गए तो ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी।